हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाऊंगी चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो। तो मार्केट से अगर हम चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो लेते हैं तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, पर आज मैं इसे घर में ही बनाऊंगी और बहुत ही सस्ते में बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी चिली फ्लेक्स। तो ये लिए मैंने लाल चिली, बिल्कुल ये कश्मीरी है, लाल कलर की है। तो इनको सबसे पहले हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें जो भी कोई मॉइस्चर वगैरह वो खत्म हो जाए, और फिर इसे हम पीस लेंगे। तो 2 से 2.5 मिनट तक लो गैस पर ही, यहाँ पे मैंने लोहे का तवा लिया, उस पर मैं इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी ताकि इसका जो भी मॉइस्चर वो खत्म हो जाए और हमें पीसने में हमारा जो चिली फ्लेक्स है बहुत बढ़िया बने। हमने ड्राई रोस्ट कर लिया, मैंने इसे करीब 1.5 मिनट तक लो गैस पर ही ड्राई रोस्ट किया। इधर हमने एक मिक्सी जार लिया है, इसके अंदर डाल के हम इसे पीस लेंगे। इसे पीसते हुए हमें ध्यान रखना है कि मिक्सी को हमें लगातार नहीं चलाना, नहीं तो इसका पाउडर बन जाएगा, क्योंकि हमें इसके चिली फ्लेक्स बनाने हैं। उनको ठंडा होने के बाद ही पीसे। तो अभी ये ठंडी हो गई, अभी इन्हें मैं पीस लूंगी। देखिए जो चिली फ्लेक्स हैं वो बनकर तैयार है। मैंने इसे सिर्फ मिक्सी में 15-15 सेकंड के लिए 2 या 3 बार घुमाया और ये बनकर तैयार है। क्योंकि हमने इन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था तो इसे पीसने में बहुत आसानी होती है, और अगर आप ड्राई रोस्ट ना करें तो इन्हें थोड़ी देर धूप में रख दें, उससे भी हम इसे फटाफट से पीस जाएंगी। तो अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी। बन गए हैं, अब मैं बनाऊंगी ऑर्गेनो। तो इसके लिए आप देख रहे हैं, ये लिए मैंने अजवाइन के पत्ते, जिन्हें मैंने तोड़ लिया पेड़ से और उसके बाद इन्हें पानी में भिगो दिया। तो आप सोच रहे होंगे ये तो अजवाइन के पत्ते हैं, तो इससे ऑर्गेनो कैसे बनेगा? तो जो बाहर होता है उस वो इस पेड़ को ही ऑर्गेनो बोलते हैं। तो सबसे पहले इन्हें बहुत अच्छे से धो लें और फिर एक कपड़ा ले लें। तो जो ऑर्गेनो वो भी हम 3 तरह से बना सकते हैं, या तो इसे धूप में सुखा देते हैं तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, या फिर हम इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। माइक्रोवेव में आप इसे रखिए, 1-1 मिनट के लिए माइक्रोवेव चलाइए, 4-5 बार माइक्रोवेव में ऐसे करेंगे तो ये बन जाएंगे। पर यहाँ मैं बना रही हूँ उसको तवे पे। तो पहले सबसे पहले इन्हें धो के अच्छे से मैं कपड़े पे फैला दूंगी, और कपड़े से इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इन्हें बिल्कुल सुखा लेंगे टॉवल की हेल्प से ऐसे करते हुए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इधर आप देख रहे हैं गैस पे मैंने लोहे का तवा रख दिया है, तो ये मोटे तले का तवा है, इस पे हम इसे भुनेंगे, सेक लेंगे। तो इसे सेकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं ऑर्गेनो के थोड़े से मोटे होते हैं, इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। तो इसे बहुत अच्छे से हमें पानी साफ कर लेना है, और अब उलटते पलटते इसे पूरे तवे पे फैला देंगे और इन्हें सेक लेंगे। हम इन्हें तब तक सेकेंगे जब तक इनका कलर बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए, ये बिल्कुल सूख ना जाए, क्रिस्पी ना हो जाए। तो जितने भी जो पत्ते थे उनको मैंने तवे पे फैला दिया। यहाँ पे मैंने लोहे का तवा यूज़ किया है जो कि भारी तले का होता है, तो इससे भी ये बहुत बढ़िया सिकते हैं। और गैस को रखें लो। तो आप देख रहे हैं कि जो पत्ते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़े होने चाहिए, नहीं तो इससे जो पत्ते हैं वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो लो गैस पे रखते हुए इसे हमें तब तक सेकना जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। इसमें क्रिस्पी होने में इन्हें 5 से 6 मिनट तक लगेंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये ऑर्गेनो बनता है, आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए। जो ऑर्गेनो वो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो गया, हमें इसे तब तक सेकना है। तो इसमें थोड़ा सा आप उठा के भी देख लें कि ये देख, आपको आवाज़ भी हो रही होगी कि इसको ये हाथ से हम करें और ये चुर जाए, क्रश हो जाए एकदम से। इधर मैं गैस को कर दूंगी अब बंद। तो गैस का आपका ध्यान रखना है, इसे लो गैस पे ही सेकना है, गैस को तेज बिल्कुल ना करें। लो गैस पे डाल दें और ये भूनता रहेगा। तो कितने कम पैसे में और बिना फ्री का ये बिल्कुल ऑर्गेनो जो कि मार्केट में इतना महंगा मिलता है, हम घर में आराम से बना सकते हैं। तो आप देखते हैं इसे मैंने कटोरी में ट्रांसफर कर लिया, और अब इसे हम हाथ से ही चूर कर लेंगे। और अभी आप देख रहे हैं इसका हल्का सा ग्रीन कलर दिख रहा है, बाद में ये कलर भी चेंज हो जाता है जब ये रखा रहता है 7-8 दिन के बाद। तो आप घर में ही ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स बना सकते हैं और इसे बनाकर काफी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना बढ़िया हमारा जो है ऑर्गेनो बनकर तैयार है। तो घर में बहुत ही आराम से और बहुत ही इजीली आप ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स बना सकते हैं।
तो दो तीन तरह के मेथड होते हैं जिनसे आप बना सकते हैं। जैसे चिली फ्लेक्स को आप धूप में रख के उसके बाद भी इसके चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। चिलीज को आप धूप में रख दीजिए एक दो घंटा, काफी तेज धूप हो तो, नहीं तो इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर दें ताकि इसका जो मॉइस्चर वो खत्म हो जाए। और मिक्सी में इसको डालते हुए ध्यान रखें कि मिक्सी को लगातार नहीं पीस चलाना है, नहीं तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। इसी के साथ ये जो ऑर्गेनो हमने बनाया है ये तो बिल्कुल ही आप घर में लगे हुए एक पेड़ से और बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो कि इतना महंगा मार्केट में मिलता है आप घर में इसे इजिली बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।